वाहन डिटेलिंग गाइस, आज हमारे पास आई एक ब्रांड न्यू थार। इसमें हम बहुत सारा मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, जैसे कि हम इसमें म्यूज़िक सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं। जो कंपनी की स्टॉक म्यूज़िक सिस्टम आती है वो हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही बेसिक सा सिस्टम आता है, इसको अपग्रेड करके हम इसमें 13.3 इंचेस का एंड्रॉयड लगाने वाले हैं। जी हाँ, ये सबसे बड़ी साइज़ की एंड्रॉयड होती है 13.3 इंचेस में। इसमें हम JBL के क्लब सीरीज़ के स्पीकर्स अपग्रेड कर रहे हैं, जो आपके आते हैं 6500 वाले। इसमें हम JBL के ये क्लब सीरीज़ के स्पीकर फिट करते हैं। 6.5 इंचेस के स्पीकर होते हैं और ये प्रॉपरली पूरा माउंट हो जाता है। ये स्टॉक स्पीकर्स हैं गाड़ी के, बहुत ही बेसिक सा स्टॉक स्पीकर इसमें कंपनी के आते हैं, पेपर कोन वाले। इसको अपग्रेड करके हम इसमें JBL के ये क्लब सीरीज़ के स्पीकर माउंट करते हैं। ये स्पीकर की एक खासियत क्या है, ये थार में पूरा प्लग एंड प्ले हो जाता है, तो जो भी कुछ भी ऑल्ट्रेशन किए बिना इस स्पीकर को हम माउंट कर सकते हैं गाड़ी में। तो ये एक क्लब सीरीज़ का एक एडवांटेज रहता है, जैसे आप देख सकते हैं होल टू होल पूरा मैच हो जाता है आपका, तो बहुत ही अच्छा फिटमेंट इसमें हम लोग को मिल जाता है आपका। प्लस इसमें हम एम्बियंट लाइट्स का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। इसमें हम मर्सिडीज़ डिज़ाइन वाले जो कार्डी के AC वेंट्स इंस्टॉल कर रहे हैं, इसमें इधर भी ये इल्यूमिनेट करता है आपका एम्बियंट लाइट। ये अभी लेटेस्ट वाला AC वेंट है थार का। इसमें हम टेल लैंप्स भी अपग्रेड कर रहे हैं गाड़ी में, ये टेल लैंप्स हम अपग्रेड कर रहे हैं इस गाड़ी में, इसके स्टॉक टेल लैंप्स को रिप्लेस करके। प्लस इसमें हम 13 पीसेस का एम्बियंट लाइट इंस्टॉल कर रहे हैं कार्डी का, जैसे कि ये जो एम्बियंट लाइट के स्ट्रिप्स हैं ये डोर में आएंगे, डैशबोर्ड में आएंगे। प्लस ये स्पीकर्स के एम्बियंट लाइट हैं, जो स्पीकर्स के कवर आते हैं, ये गाड़ी के स्टॉक स्पीकर के कवर हैं। इसको अपग्रेड करके हम इसमें ये एम्बियंट लाइट वाले कार्डी के स्पीकर के कवर भी हम इसमें एम्बियंट लाइट वाले इंस्टॉल करें। बहुत ही अच्छा फिटमेंट इसमें आने वाला है आपका, जब एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है। और इसका ये एक बार आपको स्टॉक स्क्रीन भी दिखाते हैं, हमने जो स्क्रीन इसमें रिप्लेस किया है आपका। इस गाड़ी में हमने कंप्लीट फ्लोर और कंप्लीट डोर डिक्की का भी डैम्पिंग हमने किया है, प्लस अभी इसमें काम चल रहा है आपका। इसमें हमने आर्मरेस्ट भी इंस्टॉल किए हैं, प्लस इसमें हम इसके रियर रिफ्लेक्टर लाइट्स भी अपग्रेड करने वाले हैं। हेडलाइट्स का काम हो चुका है, आइए दिखाते हैं आपको। ये इसके इंडिकेटर के लाइट्स थे और DRL थे, इसको भी हमने अपग्रेड किया है DRL लाइट्स में। ये पहले लगा हुआ था और इसको हमने अभी रिप्लेस किया है। हेडलैम्प्स भी हमने रिप्लेस किया है, मैं आपको स्टॉक हेडलैम्प्स भी दिखाता हूँ कंपनी वाला। ये हेडलैम्प्स को हमने इसमें अपग्रेड किया है, ये कंपनी के स्टॉक हेडलैम्प्स हैं, इसको हमने इसमें अपग्रेड किया है। आपके स्टॉक फॉग लैम्प्स हैं, उसको भी हम अपग्रेड कर रहे हैं। ये 3 इंचेस का आपका फॉग लैम्प है ट्राई कलर वाला, इसमें 3 कलर आते हैं, 3 कलर टेम्परेचर में ये फॉग लैम्प काम करता है आपका, क्रिस्प वाइट, येलो और ऑरेंज, तीनों का कलर्स में ये काम करता है आपका। और इसमें हम रूबिकॉन का बम्पर इंस्टॉल कर रहे हैं गाड़ी में, जो कंपनी के स्टॉक बम्पर हैं उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं रूबिकॉन के बम्पर के साथ। प्लस इसमें हम फ्रंट ग्रिल भी अपग्रेड कर रहे हैं गाड़ी का, जो स्टॉक ग्रिल है उसको भी हम अपग्रेड कर रहे हैं। काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है। ये कुछ बिफोर शॉट्स थे गाड़ी के, एक बार जैसे जैसे काम अपग्रेड हो रहा है हम आपको इसका डिटेल्स देंगे। इसमें हम PPF भी करने वाले हैं गाड़ी में, प्लस इसमें हम विंडो फिल्मिंग भी करने वाले हैं 3M का। सारा चीज़ हम आपको दिखाते हैं मिला के कि कैसे ये गाड़ी उभर के आता है काम ख़त्म होने के बाद।
हमने इसमें ये 3 पीस वाला मेटल बम्पर एक इंस्टॉल किया है आपका। ये कंप्लीट बम्पर मेटल में है और 3 पीसेस में है। इसमें हमने थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन भी की है, जैसे कि ये पार्ट रेड नहीं आता है, इसको हमने रेड पेंट किया है। प्लस इसमें हमने और भी मॉडिफिकेशन किए हैं, इसमें हमने ये फ्रंट ग्रिल इंस्टॉल किया है आपका मार्कर लाइट्स के साथ। इसमें हमने ड्रैगन आई वाले हेडलैम्प इंस्टॉल किए हैं। ये मैट्रिक्स DRL वाला हेडलैम्प होता है आपका, जैसे हम पार्किंग ऑन करते हैं तब इसमें मैट्रिक्स में पार्किंग में आपका लाइट ऑन होता है आपका। पार्किंग का लाइट ऑन करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये फंक्शन आती है। बहुत ही प्यारा लगता है ये आपका हेडलैम्प इंस्टॉल हुआ हुआ। इसमें हमने ट्राई कलर के प्रोजेक्टर फॉग लैम्प इंस्टॉल किए हैं। ये जो फॉग लैम्प्स हैं इसमें 3 कलर आते हैं, जैसे कि इसका जो स्विच है उसको हम लोग ऑन ऑफ करते हैं तो इसके कलर चेंज होते हैं। इसमें 3 कलर टेम्परेचर के लाइट्स रहते हैं फॉग लैम्प्स में। और इसमें हमने इसके जो स्टॉक इंडिकेटर्स थे उसको भी हमने अपग्रेड किया है DRL इंडिकेटर में। प्लस इंडिकेटर मैट्रिक्स वाले हैं और प्लस DRL ये अपग्रेडेड हैं इसमें। ये मार्कर लाइट्स भी इसके साथ आते हैं। इसमें हमने 2 ऑक्सिलरी लाइट्स इंस्टॉल किए हैं, जैसे कि एक हमने ये विंडशील्ड में इंस्टॉल किया है और हमने ये विंडशील्ड बार भी इसमें इंस्टॉल किया है। बहुत ही रगड़ लुक देता है इस गाड़ी को। और इसके ऊपर हमने 2 रूफ लैम्प्स भी इंस्टॉल किए हैं। रूफ लैम्प्स भी डुअल कलर के हैं, वाइट और येलो 2 कलर हैं रूफ लैम्प्स में। इसमें इसमें हमने रेड कलर के डोर हिंज इंस्टॉल किए हैं ये वाले। और आइए अभी गाड़ी का इंटीरियर आपको दिखाते हैं। इंटीरियर में हमने काफ़ी सारा मॉडिफिकेशन किया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मॉडिफिकेशन हमने इसमें किया है। इसमें हमने 13.3 इंच का एंड्रॉयड इंस्टॉल किया है। प्लस इसमें हमने हर्ट्स के स्पीकर्स, सबवूफर्स और एम्पलीफायर इंस्टॉल किए हैं। म्यूज़िक सिस्टम का क्वालिटी हर्ट्स का बहुत अच्छा होता है और इसका आउटपुट भी बहुत अच्छा उभर के आया है। इसके जो एम्बियंट लाइट्स हैं इसमें हमने 13 पीसेस के कार्डी के एम्बियंट लाइट इंस्टॉल किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये K4 सीरीज़ के एम्बियंट लाइट है। ये एम्बियंट लाइट भी इस किट के साथ ही आता है। प्लस इसमें जो डोर लॉक है इसके पीछे भी आपके लाइट्स इंस्टॉल हुए हैं। बॉटल होल्डर में आपके लाइट्स इंस्टॉल हैं। और एक बार गाड़ी के अंदर चलिए आपको दिखाते हैं गाड़ी के अंदर हमने क्या क्या इसमें काम किया है। इस गाड़ी में हमने 13.3 इंच का एंड्रॉयड इंस्टॉल किया है। इसमें हमने 360 डिग्री कैमरा NFS मैक्सलिंग का हमने किया है। नीड फॉर स्पीड का जो 360 आता है सोनी लेंस वाला उसको हमने इंस्टॉल किया है। इसमें हमने मैक्सलिंग कंपनी का 13.3 इंच का एंड्रॉयड इंस्टॉल किया है। इसके साथ हमने इसमें NFS का नीड फॉर स्पीड का 360 इंस्टॉल किया है। ये बहुत ही हाई एंड 360 सेटअप रहता है आपका। इसमें ये टॉगल स्विच आती है जिसको हम यूज़ करके कैमरा का मोड चेंज कर सकते हैं, जैसे हाई एंड गाड़ियों में आती हैं उस टाइप का फीचर है। बहुत ही कूल फीचर है, इसको टॉगल करके हम इसमें अपना मोड चेंज कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, 3D व्यू, ये सारा व्यू हम इसमें सेटअप कर सकते हैं आपका। प्लस ये जो एम्बियंट लाइट्स हैं ये भी कार्डी के हैं। इसमें भी आपके रिंग में भी लाइट्स इल्यूमिनेट कर रहे हैं, देखिए। प्लस स्पीकर के जो रिंग्स हैं, स्पीकर का जो कवर है उसमें भी एम्बियंट लाइट हमने इंस्टॉल किया है। देखिए रूफ में भी जो 4 स्पीकर के कवर्स हैं उसमें भी एम्बियंट लाइट इंस्टॉल हुए हुए हैं। और इसमें हमने ये ग्रैब हैंडल इंस्टॉल किया है। ये ग्रैब हैंडल स्टेलर का है, इसमें कोई भी ड्रिलिंग का रिक्वायरमेंट नहीं आता है, ये पूरा प्लग एंड प्ले आ जाता है। और इसमें हमने पॉड्स में मिड रेंज के स्पीकर इंस्टॉल किए हैं NFS के। बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आता है और कहीं पर भी आपको कोई भी ऐसे आफ्टर मार्केट वाला फील नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा फिटमेंट आता है इसका पॉड्स का आपका। ये हो गया, ये कुछ इंटरफेस है आपका एंड्रॉयड का, देखिए ये इंटरफेस है पूरा। इसमें जो स्टॉक सिस्टम आता है बहुत ही बेसिक सा 7 इंच का स्क्रीन आता है, इसको हमने अपग्रेड किया है आपका। ये 4K डिस्प्ले है और इसमें 1720 के भी वीडियोस प्ले हो जाते हैं। ये 4K वीडियो प्ले हो रहा है आपका, बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन है। इसमें Apple CarPlay और Android Auto दोनों वायरलेस आते हैं और इसमें आपका DVR का फंक्शन भी काम करता है आपका। इसमें हमने यहाँ पे जो डोर हैं इसमें चारों स्पीकर हमने हर्ट्ज़ के अपग्रेड किए हैं। इसमें आपके इसमें हमने 2 कंपोनेंट स्पीकर हर्ट्ज़ के इंस्टॉल किए हैं। और इसमें आपको सबवूफर भी दिखाते हैं हमने क्या सबवूफर इसमें इंस्टॉल किया है और क्या इसका आउटपुट निकल के आ रहा है, आइए देखते हैं। ये आपका माइलेज जो है किलोमीटर
देखिए जैसे कि हमने इसमें OEM सिस्टम को अपग्रेड किया है, तो उसके बाद आपका ये जो MID का डिस्प्ले आता है कि गाड़ी की एवरेज क्या है और डिस्टेंस टू MT कितना तेल है गाड़ी में, ये सब डिस्टेंस इसमें दिखाता है आपका। देखिए ये गाड़ी का MID को पूरा रीड कर रहा है ये आपका, प्लस आपका TPMS का भी एक कंप्लेन रहता है कि बोलते हैं आफ्टर मार्केट में TPMS का फीचर नहीं आता है। देखिए TPMS का भी फीचर फुल्ली फंक्शनल है, कौन से टायर में क्या प्रेशर है वो पूरा आपका MID डिस्प्ले में दिखा रहा है। तो कोई भी इसमें जो स्टॉक के इन्फॉर्मेशन रहते हैं MID के, कोई भी इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं होता है, सारा कुछ रहता है आपका। और ये कुछ ऐसा इन्फोटेनमेंट सिस्टम इसमें उभर के आता है आपका। आइए सबवूफर का भी आपको प्लेसमेंट दिखाते हैं, कैसा हमने इसमें सबवूफर इंस्टॉल किया है। टेल लैंप्स को भी अपग्रेड किए हैं, ये टेल लैंप्स हमने इंस्टॉल किया है, प्लस इसमें पार्किंग लैंप भी हमने इंस्टॉल किया है। इसमें स्कैनिंग वाले DRL फंक्शन के साथ में ये आता है, बहुत ही अच्छा लुक देता है गाड़ी को आपका। ये रिफ्लेक्टर लैंप्स भी हमने अपग्रेड किए हैं इसमें। इसमें हमने हर्ट्ज के सेंटो सीरीज़ के, ये आपकी डाइची सीरीज़ की ऊपर है, डाइची सीरीज़ का हमने इसमें सबवूफर ऐड किया है। इसमें हमने एक मोनोब्लॉक की एम्पलीफायर ऐड की है हर्ट्ज की, और हमने इसमें स्पीकर्स भी अपग्रेड किया है। इसमें हमने हर्ट्ज कंपनी का कंप्लीट डैम्पिंग भी हमने किया है, फ्लोर डैम्पिंग किया है हमने इसमें, डोर का भी हमने डैम्पिंग किया हुआ है पूरा। ये कुछ मॉडिफिकेशन थे जो हम इस गाड़ी में किए हैं। अगर आपके पास भी थार है कि कोई भी ऑफ रोडिंग व्हीकल है जिसको आपको अपग्रेड करवाना है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं बम्पर्स के और अपग्रेड्स के। ये सब कुछ इन हाउस ही करते हैं, हमारा पेंटिंग भी इन हाउस ही रहता है, तो बहुत अच्छा फिट एंड फिनिश निकल के आता है सारा काम का।